हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सर्वेश। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिनेंस टीम में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हो, पूरा देश 78 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उस सब की आपको सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। आरती इंडस्ट्रीज में मुझे इस करंट लेवल से कुछ अच्छा नज़र आ रहा है और वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। बने रहिए चैनल पर। एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और डिस्क्लेमर रहेगा कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से लिया जाए। मेरी आपको कोई राय नहीं है कि आप शेयर को खरीदें या बेचें। आपका जो भी कुछ डिसीजन हो, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बोरो कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, किसी के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलानी चाहिए। क्यों? उसका रीजन होता है सब संभव हो जाता है, मन नहीं घबराता। यानी आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो आपके लिए सब चीज़ संभव होगी। और पैसा एक ऐसी चीज़ होती है ना जिससे हर चीज़ संभव हो जाती है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा रहता है ना तो वो अपने एफर्ट लगा सकता है और उन चीज़ों को पा सकता है। अगर फाइनेंशियली अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है केमिकल सेक्टर में। और अभी थोड़ा सा मूवमेंट बना था और स्टॉक की प्राइस जस्ट डाउन आ गई, 764 रुपये के आसपास ये डाउन आया है। और यहाँ से मुझे इस करंट लेवल से इस स्टॉक में दो टारगेट के लिए इसको रख सकते हैं। वी विल डिस्कस और टारगेट भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और कंपनी के पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट बेस हैं। अगर हम इनकी PPT में देखें, जो लेटेस्ट PPT है, तकरीबन कंपनी 100 प्रोडक्ट्स बनाती है, मोर देन 100 प्रोडक्ट। और इनके 1100 डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कस्टमर हैं। इनकी 60 जो है ना वो एक्सपोर्ट कंट्री जहाँ पर ये माल इनका सप्लाई होता है। साथ साथ में अगर हम देखें 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 0 इलिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स हैं इनके पास 16 में से 11, और 6000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इनके पास। और 5 इनके पास को पावर जनरेशन प्लांट्स हैं और 2 स्टेट आर्ट ऑफ R&D रिसर्च सेंटर, मतलब 2 इनके R&D रिसर्च सेंटर हैं। और 1984 में कंपनी का एक तरह से उद्गम हुआ है और तब से कंपनी एक अच्छी खासी ग्रोथ पे चली आ रही है। 1984 का मतलब है कंपनी में इंडिया में काफ़ी अप्स एंड डाउन देख लिए और कंपनी अभी भी बिजनेस कर रही है। कंपनी को पता है कैसे बिजनेस करना है, तो इनका डरने की कोई बात नहीं। यानी फ्यूचर में ये कंपनी लगातार अपने आप को ग्रो करती रहेगी। साथ साथ में देखें तो इनकी अगर हम ग्लोबल प्लेयर इन बेंजीन में देखें तो टॉप 3 है टॉप, और हाइड्रो जनरेशन में टॉप 2 पे आ रही है। तो ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट बेस है, कंपनी की जो सेल्स है, जो रेवेन्यू आ रही है, वो कंपनी कहीं ना कहीं से कस्टमर को जोड़े रखे हुए है। तो ये आप देख सकते हैं ग्लोबल कस्टमर कितने हैं, डोमेस्टिक कस्टमर कितने हैं, कंट्री कितनी है, मल्टी प्रोडक्ट कितने हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 100 से ज़्यादा इनके मल्टी प्रोडक्ट हैं, 60 कंट्रियों में एक्सपोर्ट होता है, 400 ग्लोबल कस्टमर हैं और 700 डोमेस्टिक कस्टमर हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और इनसे ये चीज़ समझ में आती है कि कंपनी ग्रो करेगी डेफिनेटली। अगर हम देखें वेल डाइवर्सिफाई अक्रॉस वेरियस रीजन देखें तो नॉर्थ अमेरिका 10%, यूरोप 6%, मिडिल ईस्ट 18%, रेस्ट ऑफ एशिया से 9%, इंडिया 48 और रॉ 8% 9% के आसपास। तो ये भी चीज़ अच्छी है कि डोमेस्टिक से इनके पास 48% रेवेन्यू आता है और 52 एक्सपोर्ट से आता है। तो डोमेस्टिक से भी कम नहीं है और एक्सपोर्ट से भी कम नहीं है, और एक्सपोर्ट इनका वेल डाइवर्सिफाइड है। साथ साथ में अगर हम देखें तो की एंड यूजर तो प्रोफाइल इन्होंने बताया कि पर्सनल केयर में, होम केयर में 6% है, पॉलीमर में 9% है, फार्मास्यूटिकल में 9%, डाई पैकिंग में 12%। मतलब एक तरह से डाइवर्सिफाइड है, कोई अगर सेक्टर कम होगा तो कोई सेक्टर बढ़ जाएगा। मतलब ये इनका बिजनेस चलता रहेगा लगातार। और काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस भी है, चाहे वो बायर्स हो या फिर IOCL हो, UPL हो, सुदर्शन हो, अतुल हो, HPCL, सारी पेट्रोलियम कंपनी हो। तो ये इनके पास कस्टमर बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। नाउ वी आर डिस्कसिंग वन मोर थिंग इज यर है कि कंपनी क्यों मुझे अच्छा खासा लग रहा है, बिकॉज कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ नया करती चली जा रही है। और कंपनी ने इस क्वार्टर में एक नया अपडेट दिया है कि कंपनी ने UPL के साथ एक जॉइंट वेंचर 50-50% का स्थापित किया है, जिससे कंपनी और अपने रेवेन्यू बढ़ाएगी। और यहाँ पे लिखा भी है कंपनी का कैपेक्स एस्टिमेटेड 300 करोड़ का कैपेक्स है और ये 2 से 3 साल में जाके एकदम जो रेवेन्यू 400, जहाँ लिखा भी कमर्शियल सप्लाई एक्सपेक्टेड बाय Q1
फाइनेंशियल 2027 पीक एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल 400-500 करोड़ नेक्स्ट 2-3 ईयर। तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो कंपनी डेफिनेटली अपने आप को ग्रो करना जानती है, कंपनी के फाइनेंशियल बढ़ेंगे, कंपनी के सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं अगर छोटे टारगेट के लिए भी बात करता हूँ 30%, 40%, 50% के लिए, बट हमें कंपनी का हमेशा ये देखना चाहिए क्या कंपनी 10 साल काम करेगी, क्या कंपनी 20 साल काम करेगी, क्या कंपनी के जो प्रोडक्ट रेंज है अच्छी है, क्या वेल डाइवर्सिफाइड है। बिकॉज हमको करना क्या है, एक स्टॉक ढूंढना है और उसमें ट्रेडिंग करते चले जाना है। सपोज कि अगर हमने कोई स्टॉक 599 रुपये चल रहा है इसका और इसको हमने 1000 रुपये पे बेच दिया या 800 पे बेच दिया, तो हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, देन वी विल वेट फॉर थोड़ा सा करेक्शन आएगा या फिर हम उसको छोड़ देंगे उस समय, और फिर जब करेक्शन आएगा 1-2 साल वहीं पर मूव करता रहेगा 5-6 महीने, फिर हम उसको बाय करेंगे, फिर फाइनेंशियल देखेंगे, फिर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। तो यही स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, यहाँ से आपका जो ग्रोथ होती ना CAGR की बहुत ही अच्छी जाएगी। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल को देख लें तो कंपनी तकरीबन 21,715 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, करंट प्राइस 599 है और इस साल का जो हाई गया है 770, 438 लो गया है। स्टॉक का पीई जो देखें 44.9 पर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 146 है। ROCE एंड ROE बहुत कंसर्न का मैटर है, ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी कुछ किया है हद तक यहाँ पे, वो भी मैं आपको भी बताऊँगा। प्लेज परसेंटेज 3.71 है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कंपनी के पास प्लेज परसेंटेज ज़्यादा है, बट जो कंपनियाँ अपनी कंपनी को एक तरफ गिरवी रख कर आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनमें पोटेंशियल है, 90-84 से लगातार काम कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी का थोड़ा बहुत रिस्क लेके चलना पड़ता है। ऑल टाइम हाई इसको 1061 गया है, अभी 50% डिस्काउंट कह सकते हैं ये, एंड अभी तुरंत में ही 2-3 दिन में ये करेक्ट अच्छा खासा हुआ है, तो इसलिए मुझे इसमें डिस्कस करने के वीडियो बनाने का मन किया। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स जो ऑन हाईएस्ट एवर है, 1855 करोड़ की सेल्स हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 305 करोड़ का है। हालांकि जो इनके जून सितंबर 2020 दिसंबर में जो मार्जिन्स थे उतने मार्जिन्स अब नहीं है, पर वहाँ की उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, तो मार्जिन बढ़ा के माल सप्लाई कर सकते हैं और जिनको लेना है तो वो महंगा भी ले सकता है। ये एक तरह से कभी कभार अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर वहाँ पे फिर वहीं पे आ जाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। इन चीज़ों को हमको थोड़ा सा पीछे करके देखना पड़ेगा कि वास्तव में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यही है 15-16-20 के बीच में, तो ये ठीक है, मार्जिन एकदम ओके है। और अगर हम देखें कि सेल्स के बाद अगर हम देखें तो रेवेन्यू देखें और नेट प्रॉफिट देखें, तो नेट प्रॉफिट 137 करोड़ का है, विच इज़ वेरी गुड हेयर, एंड मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक जरूर बात है कि कंसर्न का मैटर है कि इन्होंने टैक्स कम किया, बट ठीक है, आने वाले क्वार्टर में ये सब चीज़ें ऊपर नीचे जाएंगी, बट ओवरऑल ठीक ठाक है। एंड अगर क्योंकि डेप्रिसिएशन भी 102 करोड़, 102 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ जो नॉन कैश एक्सपेंस है 102 करोड़ इन्होंने यहाँ से यहाँ निकाल दिए। ये डेप्रिसिएशन को हमेशा आप लोग अपने माइंड में रखा करें कि डेप्रिसिएशन एक ऐसी अमाउंट है जो पैसा कहीं नहीं जाता, इट रिमेंस विद कंपनी, इट इज ओनली अकाउंटिंग एंट्री है। 305 करोड़ में से 102 करोड़ डेप्रिसिएशन हो गया, फिर आपका रह कितना गया 203 करोड़ में आपको टैक्सेस भी देना है, नेट प्रॉफिटिटी भी निकालना है, 102 करोड़ का कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे कैश एकदम, कहते हैं कि टैक्स ना एक अकाउंटिंग एंट्री है, बाकी ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट और लॉस, अगर आप देखें तो हाईएस्ट एवर सेल्स दिख रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में 6,814 करोड़ और हाईएस्ट एवर ही बोल सकते हैं 1080 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं उस फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा थे, बाकी अगर हम देखें तो एक हाईएस्ट एवर की तरफ कंपनी जा रही है, और जो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है वो 484 करोड़ दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसा एक क्वार्टर अच्छा खासा आया है इनका, आने वाले क्वार्टर भी वैसे आएंगे, तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो तकरीबन 500 करोड़ के आसपास जाने की उम्मीद है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक का CAGR देखें तो 3 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला, बल्कि मेरे हिसाब से देखें तो 4 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला, 4 साल के बाद तो स्टॉक ब्रेकआउट डेफिनेटली देता है। सो मुझे यहाँ से इसलिए अपॉर्चुनिटी लग रही है, जब मैं चार्ट बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे चल रहा है। यहाँ पे 181 करोड़ का यहाँ पे इक्विटी है, रिजर्व उनके पास 5,109 करोड़ है, रिजर्व बढ़ रहा है, रिजर्व के साथ साथ इनकी बोरिंग भी बढ़ रही है, 3,242 करोड़ की बोरिंग है। दिस इज द बिग कंसर्न अबाउट द कंपनी की कंपनी लोन बढ़ाती जा रही है, बट लोन का पैसा लगा कहाँ रही है, तो ये देखने लायक है कि जो कंपनी पिछले साल इनके पास जब 3,595 करोड़ का फिक्स सेट था, लगातार बढ़ के 5,649 करोड़ हो चुका है, और अभी वर्किंग कैपिटल जो है ना
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो तकरीबन 1230 करोड़ इनके पास ये पड़ा है। तो लोन बढ़ाने का रीजन भी समझ में आया कि लोन क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि इनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है। और जब ये 1230 करोड़ जब वहाँ का पार्ट बनेंगे 5649 करोड़ का, तो आप सोचिए कंपनी कहाँ जाएगी, कहाँ इनकी सेल्स होगी, कहाँ इनकी रेवेन्यू होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आई थिंक सो, बिकॉज कंपनी ऐसे ही बढ़ती है, 130 करोड़ के पास कैश में बढ़ा है। तो ओवरऑल देखें तो मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। अगर हम चार्ट पैटर्न में देखें कि कंपनी किस पे ट्रेड कर रही है, तो कंपनी को हम बिल्कुल बिल्कुल सिंपली तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी इज ऑन दिस इज द जनवरी 2021 या जनवरी 2021 के रेट में ट्रेड कर रही है अभी। और जनवरी 2021 यानी 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 भी निकल गया, और हम अगस्त में खड़े हैं, तो तकरीबन 3.5 साल हो गए स्टॉक की प्राइस वहीं पर पड़ी है। यहाँ से मूवमेंट बना, नो डाउट लोगों को रिटर्न मिला, पर जिन लोगों ने यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा होगा तो वो क्या कर रहा है, उनको तो कुछ नहीं मिला, डिविडेंड कंपनी ने दिया होगा वही मिला होगा। अगर हम देखें डिविडेंड देखें तो 0.17%, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिला, दे आर द लॉन्ग इन्वेस्टर। तो इसलिए मुझे यहाँ से अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र और आ रहा है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे रेशियो के बात इन्वेस्टर की, तो यहाँ पे इन्वेस्टर तकरीबन प्रमोटर 43% लेके बैठे हैं, FII अच्छी खासी होल्डिंग है, DII की लगातार होल्डिंग बढ़ रही है 18.55, जो 3 साल में 14.75 से 18 हो गया है। पब्लिक के पास 27% है, पब्लिक के पास नो डाउट यहाँ पे ज़्यादा है, बट इस टाइप ऑफ कंपनी में समटाइम चलता है ये, इट इज़ अ कंसर्न कि हाँ आप ये सब चीज़ देख सकते हैं कि आपके पैरामीटर क्या है। अगर आपने पब्लिक के लिए इतना अलाउ कर रखा है, देन यू कैन थिंक अबाउट कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ये आपके पैरामीटर हो सकते हैं कि जहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग 10% ज़्यादा होगा मैं नहीं घुसूंगा, तो बहुत कम कंपनियाँ मिलेंगी, 20% ज़्यादा होगा, 20% नीचे होंगी, तो बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ मिल जाएंगी, बट ये एक कंसर्न होता है। सो अब हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल में करेक्ट हुआ, गैप डाउन नीचे आया है और एक नेगेटिव मोमेंटम बनाया, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि इससे नीचे आएगा। आ सकता है थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है, जो प्राइस है वो 560 के रुपए के आसपास आ सकती है, जो लास्ट में इसने 3 तारीख को लगाया था, 3 जून को, वहाँ तक आ सकता है, बट फिर वहाँ से रिवर्सल डेफिनेटली बन सकता है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट रिवर्सल बन सकता है। तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा उसका वो नियरेस्ट हाई रहेगा जो अभी रिसेंटली लगा है इस ईयर में, 770 रुपए के आसपास के लिए इसको लेके रख सकते हैं। विथ योर ड्यूलेंस यहाँ पे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, मेरी आपको कोई भी राय नहीं है, बिकॉज समटाइम पीपल्स आर बाइंग विदाउट देखे कि कुछ हो जाएगा। हाईएस्ट लेवल पे भी खरीदा होगा यहाँ पे लोगों ने, अभी वो उनका पेट में दर्द हो रहा होगा कि अब क्या करें, तो ऐसा नहीं है कि जब कोई हमको मौका मिलता है देन वी कैन एंटर, अदरवाइज हमको देखेंगे बेट करेंगे। विजय के लिए सर क्या बोलते हैं कि मैं एक स्टॉक को साल भर 2 साल 3 साल फॉलो करता हूँ फिर मैं एंट्री बनाता हूँ कि कब क्या कर, तो इसी तरह से हमको स्टॉक को वॉच में रखना है, कब एंट्री मूवमेंट बनेगा देन वी कैन थिंक अबाउट। सो एक स्टॉक तो ये है, इसका टारगेट तकरीबन 35% के लिए इसमें रख सकते हैं, 37% दिख रहा है एक तरह से, और इसका ऑल टाइम हाई डेफिनेटली जाएगा, और बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कंपनी की फिक्स एसेट लगातार इंप्रूव हो रही है, न्यू जॉइंट वेंचर कर रही है, केमिकल सेक्टर में ग्रो करेगी कंपनी, और केमिकल सेक्टर ऐसा नहीं कि ठंडा हो जाएगा, केमिकल के बिना आज की तारीख में कुछ पॉसिबल नहीं है। आप बाजार में कुछ भी आइटम खरीद के लेके आते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं केमिकल्स यूज हो रहा है। तो अगर हम इसमें ऑल टाइम हाई के लिए देखें तो तकरीबन 70% का अपसाइड है, और अगर हम छोटा टारगेट लेकर देखें तो तकरीबन 35-36% का अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। सो दो टारगेट के लिए इसमें अपने ड्यूलेंस के हिसाब से आप काम कर सकते हो, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, मेरी आपको कोई राय नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एजुकेशन के लिए फैलाता हूँ कि कैसे हम चीज़ों को समझना चाहिए, कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, और आप इसकी PPT अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और इनके प्रोडक्ट को समझ सकते हो कि कहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज होता है, फिर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो बनाए, वीडियो लंबा खिंच जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, सब संभव हो जाएगा, मन नहीं घबराएगा कब, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे खुद के कन्विक्शन पे कोई चीज़ खरीदेंगे, एंट्री लेवल भी मालूम होगा, एग्जिट लेवल भी मालूम होगा, किसी पे बोरो कन्विक्शन पे, डू नॉट बाय एनीथिंग। बाय बाय।